मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के यंग टाइगर जूनियर एनटीआर की आने वाली 5 बड़ी एक्शन फिल्मों के बारे में, जिन्हें काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा और इन सभी बड़ी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देवरा पार्ट 1। ये एक बिगेस्ट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी समुद्री सीमा पर आधारित होगी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं कोराटाला सेवा, जो इससे पहले जूनियर एनटीआर के साथ जनता गैराज जैसी तगड़ी एक्शन फिल्म बना चुके हैं। इसमें हमें जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर, प्रकाश राज और सैफ अली खान इसमें मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। अभी इसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया था जो देखने में बहुत ही बवाल लग रहा है, जिसमें जूनियर एनटीआर बहुत ही तगड़े लेवल पर एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसे 200 करोड़ के हाई बजट पर बनाया गया है, जिसे 27 सितंबर 2024 को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देवरा फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। नंबर 2, बॉर 2। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। बॉर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 475 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करी थी। बॉर 2 फिल्म को डायरेक्शन दे रहे अयान मुखर्जी, जो इससे पहले ब्रह्मास्त्र जैसी तगड़ी एक्शन फिल्म बना चुके हैं। इसमें हमें जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी मेन लीड में नजर आएंगी। बॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे काफी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का खर्चा लगाया गया है। अभी इसकी शूटिंग काफी जोरों से चल रही है, जिसे 14 अगस्त 2025 को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। खुद को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 3, एनटीआर 31। ये एक बिगेस्ट एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं प्रशांत नील, जो इससे पहले केजीएफ और सलार जैसी तगड़ी एक्शन फिल्में बना चुके हैं। इसमें हमें जूनियर एनटीआर बहुत ही डार्क और इंटेंस लुक में नजर आएंगे, जिसमें वो बहुत ही वायलेंट और खतरनाक एक्शन करते दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म प्रशांत नील के केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। अगर ऐसा होता है कि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, तो सोच भी नहीं सकते कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से तबाही लाएगी और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को चकनाचूर करके रख देगी। प्रशांत नील इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर बनाने वाले हैं, जिसमें प्रशांत नील जूनियर एनटीआर को बहुत ही खतरनाक अवतार में प्रेजेंट करेंगे। इसे 300 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा, जिसे 2025 में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 4, देवरा पार्ट 2। जैसे कि हम सबको पता है कि देवरा फिल्म के मेकर्स ने पहले ही बता दिया था कि देवरा फिल्म को 2 पार्ट में बनाया जाएगा। देवरा पार्ट 2 देवरा पार्ट 1 से बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे कोराटाला सिवाई डायरेक्ट करेंगे। इसमें हमें जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर, प्रकाश राज और बॉबी देओल इसमें मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इसमें बॉबी देओल मेन विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें जूनियर एनटीआर पार्ट 1 से भी खतरनाक एक्शन करते दिखाई देंगे। अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज से एक अंधे का डर बनूंगा। नंबर 5, RRR 2। RRR फिल्म को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1300 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करी थी। और उसी समय सोशल मीडिया के थ्रू एक खबर और आई थी कि SS राजामौली RRR 2 बहुत जल्द बनाने वाली है। RRR 2 बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसे राजामौली बहुत ही बड़े स्केल पर बनाने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अभी राजामौली साहब महेश बाबू के साथ SS MB 29 फिल्म में बिजी हैं। ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद ही राजा मौली साहब RRR 2 फिल्म पर काम शुरू करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसे आने में अभी 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है।
तो दोस्तों ये थी यंग टाइगर जूनियर एनटीआर की आने वाली 5 बड़ी एक्शन फिल्में। आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।